दोस्तों, आप में से कितने लोग अपनी वीडियो की जो साइज होती है उन साइज से परेशान हैं? जैसे कि आप एक वीडियो बनाते हो, ठीक है, वीडियो की साइज है 200 MB। अब 200 MB आप कैसे अपलोड कर सकते हो यार? एक वीडियो की साइज अगर 200 MB होगी और अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो आप उसको कैसे अपलोड करोगे? तो आप उसको कैसे अपनी साइज को डिक्रीज करोगे ताकि आप अपने इंटरनेट की स्लो की वजह से आप अपनी उस वीडियो को अपलोड कर सको? क्योंकि आपके अगर 200 MB की वीडियो फाइल है तो आप उसको अपलोड करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आप किस तरह अपने वीडियो की साइज़ को कम कर सकते हैं बिना क्वालिटी को डिक्रीज़ किए। जी हाँ, तो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते क्योंकि क्वालिटी ही सब कुछ है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखें, मेरे पास जो ये वीडियो है, इस वीडियो के आप साइज़ नोट कर लें, ठीक है। 69.7 MB है जो मैंने अपना जो प्रोजेक्ट बनाया था, ये वही प्रोजेक्ट है। अभी जो मैंने अपकमिंग वीडियो जो अपनी सॉरी जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी कि आप अपना इंट्रो कैसे बना सकते हो यूट्यूब के लिए, तो ये वही वाली वीडियो है। आपने मेरी ये वीडियो देख चुके हैं, ठीक है, यूट्यूब पे। तो इसी तो ये एक्चुअली इसकी जो साइज़ थी वो साइज़ थी ये वाली 69.7 MB, ठीक है, HD क्वालिटी है। लेकिन 69.7 MB भी बहुत बड़ी है क्योंकि इसको अपलोडिंग में भी बहुत टाइम लग जाता है, और इतना टाइम नहीं होता कि बंदा एक ही वीडियो को अपलोड करने में इतना टाइम लगाता है, ठीक है। तो इसको इसकी जो वीडियो की क्वालिटी है सेम रखने के लिए और अपनी वीडियो की साइज़ को कम करने के लिए आपको चाहिए होता है हैंड ब्रेक। तो हैंड ब्रेक डाउनलोड कर लें, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, ठीक है। आप हैंड ब्रेक डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। इस तरह के डैशबोर्ड के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे सोर्स पे क्लिक करके अपनी फाइल को ओपन करना है जहाँ पे आपकी फाइल लोकेट है, ठीक है। अपनी फाइल को लोकेट करके उसको क्लिक करके यहाँ पे ओपन कर लें, ठीक है। अब मेरी ये फाइल इस सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मैं अपनी डेस्टिनेशन फाइल जहाँ पे मुझे सेव करना है उसका नाम लिख लेता हूँ। जैसे कि मेरी वेबसाइट, जैसे मेरी डेस्टिनेशन है ये डेस्कटॉप ही, तो टेस्ट 1 लिख लिया मैंने, मेरी डेस्टिनेशन मैंने सेव कर लिया। अब यहाँ पे मैंने सेटिंग्स करनी है, ठीक है। अब यहाँ से देखें, यहाँ पे पिक्चर, आपके यहाँ पिक्चर में आपको कुछ चेंजेस नहीं करनी, जो आपकी ओरिजिनल साइज़ है वही आपकी साइज़ रहेगी। फिल्टर्स में भी आपको कुछ नहीं करना। बाकी वीडियो में आपको यहाँ पे ये करना है कि आपको यहाँ पे देखें लिख रहा होगा कॉन्स्टेंट क्वालिटी। अब कॉन्स्टेंट क्वालिटी अभी मेरी 20 RF है, तो आपने यहाँ पे इसको ड्रैग डाउन करके कॉन्स्टेंट क्वालिटी को 10 पे लेके आना है, ठीक है। कॉन्स्टेंट क्वालिटी हो गई, अब मेरे पास 10 RF। बाकी यहाँ से आपको कोई चेंजेस नहीं करनी, ठीक है। और हाँ, आउटपुट सेटिंग में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वेब ऑप्टिमाइज्ड। वेब ऑप्टिमाइज्ड को लाजमी क्लिक करें ताकि यूट्यूब वगैरह के लिए प्रोसेसिंग में ज़्यादा फिर वक्त नहीं लेगा, ठीक है। ये यूट्यूब वगैरह और वेबसाइट्स के लिए ज़रूरी होता है, तो आप वेब ऑप्टिमाइज्ड पे टिक लाजमी करें। बाकी यहाँ पे ऑडियो पे क्लिक करके आपने ऑडियो की जो बिट रेट है वो यहाँ पे आपको 128 सेलेक्ट करनी है, ठीक है। बाकी सेम टू सेम रहेगा। बाकी सब टाइटल्स आपको नहीं देने, चैप्टर्स को भी आप इग्नोर कर दें। आपका जो मेन टॉपिक था, आपके जो मेन ऑप्शन है वो वीडियो और ऑडियो था, और ये आउटपुट सेटिंग, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको स्टार्ट पे क्लिक करके इसको रेंडर पे रख देना है। अब देखें मेरी जो साइज़ है, मैं आपको फिर से एक बता देता हूँ कि मेरी एक की साइज़ क्या है। ये है 69.7 MB, ठीक है। अब मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। टाइम बचाने के लिए मैं इसको थोड़ा स्पीड अप कर दूंगा ताकि आपको भी ज़्यादा टाइम इंतज़ार ना करना पड़े, ठीक है। फ्रेंड्स, हमारा वो रेंडरिंग प्रोसेस एंड हो चुका है, ठीक है। अब मैं अपनी वीडियो की साइज़ आपको दिखा देता हूँ। अब देखें, आप पहले ओरिजिनल वीडियो देख लें, 69.7 MB है, ठीक है। अब इसकी इसकी साइज़ देखें, 23.5 MB। 23.5 MB मतलब कि अगर हम 65.9 MB मतलब है 23, मतलब कि 42 MB का डिफरेंस आया है। 42 MB मतलब कि 50% से तो ऊपर ही हुआ है, ठीक है। 50% से ऊपर आपकी वीडियो की साइज़ जो है डिक्रीज़ हो गई। बाकी अभी मैं आपको इसका रिजल्ट दिखा देता हूँ। रिजल्ट देखें, बिल्कुल सेम टू सेम है रिजल्ट। रिजल्ट आपको देख रहे होंगे वो बिल्कुल सेम टू सेम है, जो आपकी वीडियो की क्वालिटी है आपको जैसे मिलती है मेरी यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे, ठीक है।
बाकी अगर आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया तो प्लीज़ इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बाकी अगर आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है तो प्लीज़ इस रेड रेड बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको अपने मोबाइल या पीसी पे मिलती रहे। ठीक है।